नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। देश भर के लोग इस समय गमगीन हैं और नम आंखों से कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव को अंतिम विदाई दी। 58 साल की उम्र में राजू ने बीते दिन अंतिम सांस ली। राजू के निधन से सबसे गहरा सदमा उनके परिवार को पहुंचा है। राजू के परिवार ने उन्हें भारी दिल के साथ विदाई दी। जहाँ राजू के साथ हर वक्त उनका परिवार मौजूद रहा, वहीं आपको बता दें कि कुछ ऐसा भी हुआ जिस वजह से उनके भाई बेहद परेशान रहे। दरअसल अफसोस की बात यह है कि अपने भाई पर जान छिड़कने वाले उनके भाई काजू श्रीवास्तव राजू के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल काजू अभी कानपुर में हैं और वो बीमार हैं और उनकी पत्नी भी प्रेग्नेंट हैं। जब राजू श्रीवास्तव एम्स में भर्ती थे, तब काजू भी 3 दिन के लिए उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। उनका ऑपरेशन हुआ था। बीमारी की वजह से काजू चाहकर भी अपने भाई को अंतिम विदाई देने दिल्ली नहीं आ पाए। उनके लिए ये पल सबसे ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि जिंदगी के कई साल एक साथ गुजारने के बाद अपने भाई की अंतिम यात्रा में शामिल ना हो पाना आसान नहीं। लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थे। कानपुर में लोग काजू के घर के बाहर लगातार जमा हो रहे थे और उन्हें संवेदनाएं दे रहे। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। राजू के अंतिम विदाई पर परिवार समेत उनके तमाम चाहने वालों की आंखें नम थी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें।